तो क्या आपकी भी बैटरी डाउन हो जाती है, जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है? तो ये सारी प्रॉब्लम हम दूर करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक है जिसे जानने के बाद, जिसे यूज करने के बाद आपकी बैटरी बहुत हद तक सेफ हो सकती है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे लास्ट में एक ऐसा ट्रिक है जिसे यूज करने के बाद आपकी बैटरी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपकी जो बैटरी सबसे ज्यादा इंक्रीज करती है वो है आपका नोटिफिकेशन। अगर आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें आप वॉल्यूम तेज करके रखते हैं तो उसे आप स्लो कर दे या फिर ऑफ कर दे। तो अगर आप ऑफ नहीं करते हैं, अगर आपको एसएमएस से दिक्कत है, वहां पर साउंड को फुल रखने के बजाय आप 50 रख सकते हैं, 50 से डाउन रख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ नोटिफिकेशन आया है। और उससे इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें वाइब्रेशन होता है उसे बिल्कुल आपको ऑफ कर देना है। ये बहुत ही इंक्रीज करती है बैटरी को, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर लगाया होता है। जब भी आपका एसएमएस या फिर कोई नोटिफिकेशन आपके फोन के अंदर आता है तो फौरन वो वाइब्रेट करता है, तो वो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। तो इसे आप जरूर ऑफ कर दें। अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो अगर आपका फोन एमोलेड डिस्प्ले है तो आप अपने फोन को डार्क मोड में रखें और वॉलपेपर भी डार्क ही यूज करें, ब्लैक यूज करें, क्योंकि उस जगह पर आपकी लाइटिंग को यूज नहीं होता है, डिस्प्ले कोई लाइट यूज नहीं करता है, जिससे कि आपकी बैटरी बहुत हद तक बचने की चांस होती है। तो ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा अगर आपका एमोलेड डिस्प्ले है तो। LCD IPS डिस्प्ले में आपको ये ट्रिक काम करने वाला नहीं है, डार्क मोड, तो आप इसे जरूर यूज करें। अगला टिप्स ये है कि ब्लूटूथ और वाईफाई का जो स्कैनर होता है उसे आपको ऑफ करना है, और ब्लूटूथ वाईफाई को भी ऑफ करके रखना है, क्योंकि ये आप जब भी लोकेशन को चेंज करते हैं तो ये बैकग्राउंड में रन करते रहता है और डिवाइस खोजने का प्रयास करते रहता है। तो इस बैकग्राउंड में रन करने की वजह से बहुत बैटरी यहाँ पर इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। तो अगर आपने फोन के अंदर ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर रखते हैं तो उसे ऑफ करके आप कम से कम ब्राइटनेस पर यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि हाई ब्राइटनेस आपके आंख के लिए भी नुकसानदेह है और आपकी बैटरी को भी ज्यादा इंक्रीज करती है। तो जितना आपका ब्राइटनेस लो रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी बैटरी बचेगी। तो अगर आप आउटडोर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां पर आपको मजबूरी है वहां पर यूज करना, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इनडोर में रहते हैं तो आप ब्राइटनेस को बहुत हद तक कम यूज करें। अगर आप फोन को चार्ज करते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है कि जो मेरा चार्जर है वो सेट का चार्जर है या फिर कहीं और का चार्जर है, या फिर उसका केबल भी ध्यान पर रखें। अगर वो ओरिजिनल है, अच्छा क्वालिटी का चार्जर है तो ही यूज करें, वरना अगर आप अदर चार्जर को यूज करते हैं तो वहां पर कितना आउटपुट आपको दे रहा है वहां पर वाट वो पता नहीं चलता है और बैटरी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो इसे आपको हमेशा में ध्यान रखना है, और जब भी फोन को चार्ज लगाना है वो कवर निकाल के लगाना है, क्योंकि आपका जो फोन हीट होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है तो वो आपको क्लीन नहीं हो पाता है, ठंडा नहीं हो पाता है। तो आप कवर निकाल करके करें ताकि आपका फोन ज्यादा हीट ना हो, इससे आपकी बैटरी की लाइफ बहुत हद तक बच जाती है। ये सब टिप्स एंड ट्रिक को यूज करने के बाद भी आपकी बैटरी सेविंग नहीं दे पा रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो यानी आपकी बैटरी खराब है, उसको आपको रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत है। तो आप मोबाइल शॉप पर जाकर के बैटरी को चेंज कराएं, क्योंकि आपकी बैटरी ही खराब है, तो ये टिप्स आपको काम करने वाली नहीं है। और सबसे जो आखिरी और इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर आपकी बैटरी खराब है फिर भी ये ट्रिक आपके फोन के अंदर काम करेगा, वो ये है कि आप अपने फोन को यूज करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो बैटरी खत्म होगी। तो अगर उसे आप किनारे रख देते हैं तो वो बैटरी खत्म ही नहीं होगी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहां पर आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है।